दिन एक सवाल हम सबको सताए कि यार मन चाह फूड और पॉकेट फ्रेंडली बजट की दोस्ती हो जाए। कोई तो मन कर रहा है सब बताओ, 100 रुपए में सब फिट कराओ। 100 रुपए में अजी 100 रुपए में सिर्फ मिले आधा किलो तरकारी। तरकारी भी आए लोकल ग्लोबल फूड की ना आए बारी। ग्लोबल कुजीन के बिना मुझे तो कुछ ना भाता है। मेरे डाइट फूड्स का प्रेफरेंस 100 रुपए में और भी क्रंच हो जाता है। फिकर नॉट, अब होगा थोड़ा लॉजिक एंड सम मैजिक। क्यों ना सबकी डिमांड फुलफिल की जाए, 100 रुपए में दिल जो चाहे वो प्लेट पे सर्व हो जाए। Help in 100, help in 100। अभी, रुक। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? जी के दुकान पर। बोल बोल, नंबर बोल। जी? हाँ। 70। हाँ। 485। फिर एक बार बोल। जी? हाँ। 70। हाँ। 485। क्या हुआ? लग गई। यादव जी जाएंगे थाईलैंड। यादव जी जाएंगे थाईलैंड। थाईलैंड? थाईलैंड? अरे वाह यादव जी, आप तो जाएंगे थाईलैंड। कब जाना है? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? तो चलिए फिर पैकिंग वैकिंग कीजिए आप अपनी। जी हाँ। हाँ पापा, आप जाइए, मैं दुकान देखता हूँ। ठीक है। पासपोर्ट वासपोर्ट रख लिया? पासपोर्ट? पासपोर्ट तो मेरे पास है नहीं। पासपोर्ट नहीं है फिर कैसे आप जाओगे थाईलैंड? अरे कोई बात नहीं, हम बनवा देंगे पासपोर्ट। क्या पंकज दी, अब 2 दिन में पासपोर्ट कहाँ से बनेगा? 2 दिन में? अरे बेटा तू जाओ, सामान सब लेकर, मैं देखता हूँ, मैं दुकान देखता हूँ। क्या जा। इतना बुरा लग रहा था यादव जी को देख के, बेचारे कितने मायूस हो गए, उनका तो दिल ही टूट गया। लेकिन अगर यादव जी थाईलैंड नहीं जा सकते, हम तो थाईलैंड उनके पास लेके आ सकते हैं ना। तो चलिए देखते आज क्या है हमारे पिटारे में। मेरे पास है कुछ फ्लेवर्स थाईलैंड के। किसी भी देश के फ्लेवर्स उसके स्ट्रीट फूड में झलकते हैं। थाईलैंड में जगह जगह पर ये सॉन्टम सैलेड के वेंडर्स घूमते रहते हैं। थाईलैंड की सैलेड बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो सोच के लगता है कि बहुत एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स होंगे, मतलब बजट के बाहर। पर फिकर नॉट, ट्राई तो करना बनता है। इसमें जाता है टमाटर, लहसुन और हमारा अंडररेटेड कच्चा पपीता। रही बात ब्राउन शुगर, उसकी क्वांटिटी कम लगेगी तो ये मेरे बजट में आ जाएगा। बर्ड्स आई चिली, नाम एक्सपेंसिव लगता है पर ये गुरमे स्टोर्स पर मिल जाती है और बहुत महंगी भी नहीं है। थाईलैंड के फ्लेवर्स, स्वीट, सार, स्पाइसी एंड सॉल्टी, ऑल पैक्ड इन लेस देन 100। आज सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सैलेड है, जिसे बहुत सारी बॉडीज ने वर्ल्ड का नंबर 1 सैलेड भी डिक्लेयर किया है। है ना कितना फैसिनेटिंग? तो चलिए देखते हैं आप कैसे बनाते हैं सॉमटाम सैलेड। तो ये है मेरा क्ले मोटा, ये मैं स्पेशली थाईलैंड से लेके आई हूँ। इसमें मैं डालती हूँ यहाँ ये 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक और पहले इस गार्लिक को थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। अब इसमें डालूँगी ये रेड चिली फाइनली चॉप्ड, ये है थाई बर्ड आई रेड चिली। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसी होती है ये। दिस इज़ वेरी वेरी शार्प एंड पंजेंट और थाई फूड में बिना इसके काम नहीं चलता, ठीक वैसे जैसे हमें हमारे खाने में बिना लाल मिर्च के काम नहीं चलता है। सो दिस गोज इन और इसे भी थोड़ा सा हम क्रश कर लेते हैं। मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा सा सोया और इसी के साथ साथ ये लेमन जूस भी, इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। थाई फूड में वैसे तो इस्तेमाल होती है फिश सॉस, फिश सॉस काम करती है उनके लिए नमक का। हम फिश सॉस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वो नॉन वेजिटेरियन है, दूसरा थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है हमें यहाँ हिंदुस्तान में, तो उसकी जगह हम उसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सोया सॉस के साथ। तो ये मेरे सारे के सारे जो फ्लेवर्स हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो गए और अब एक एक करके मैं डालूँगी इसमें ये वेजिटेबल्स। पहले मैं डाल रही हूँ ये बारीक लंबा लंबा कटा हुआ टमाटर,
और अब इस टमाटर के बाद डालूंगी मैं इसमें ये बीन्स, ये स्प्राउट्स हैं। जैसे हम अंकुरित मूंग खाते हैं जो हम एक दिन के लिए अंकुरित करते हैं, ये ऐसे मूंग है जिसे एक दिन नहीं 5 या 6 दिन के लिए अंकुरित किया गया है। थाई फूड में इस्तेमाल होता है पाम शुगर का, बट आई एम यूजिंग उसकी जगह पर ये ब्राउन शुगर। तो चलिए इसके साथ अब हमें क्या करना है, हम एक तरफ से इसको कूटते जाते हैं और दूसरी तरफ से इसको मिक्स करते जाते हैं। अब इसके साथ मैं डालूंगी इसमें ये रोस्टेड पीनट्स जिनको हल्का सा मैंने क्रश कर लिया है, एंड अलोंग विद दैट मेरे पास है ये रॉ पपाया यानी कि कच्चा पपीता जिसे हमने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसे हम क्रश करते जाएंगे और टर्न करते जाएंगे। इसे टेस्ट कीजिए और अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको नमक और चाहिए तो सोया और डालिए, खट्टापन और चाहिए तो लेमन जूस और डालिए, और अगर थोड़ी सी मिठास चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ी सी शुगर, और अगर थोड़ा सा किक चाहिए चिली का तो आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ी सी चिली भी। और तो चलिए ये मेरा सैलेड हो गया रेडी। तो इस सैलेड में है इतने ढेर सारे फ्लेवर्स जो हमारे हिंदुस्तानी पैलेट को भी बहुत पसंद आएंगे, एंड आई एम श्योर यादव जी इज़ गोइंग टू लव दिस। तो अगर आप इसका मज़ा लेना चाहती हैं, लीजिए इसका एक जल्दी से रिकैप, ट्राई तो कीजिए, हैट इज सो कूल। सोमटाम सैलेड बनाने की विधि, इमाम दस्ते में लहसुन और थाई बर्ड आई रेड चिलीज को क्रश करें, फिर डालें सोई सॉस, नींबू का रस, लंबा कटा हुआ टमाटर, बीन स्प्राउट्स और ब्राउन शुगर क्रश करते हुए मिक्स करें, रोस्टेड पीनट्स और कच्चा पपीता भी सैलेड में मिक्स करें, सैलेड को फ्राइड बेजल से गार्निश करें और चिल्ड सर्व करें। सोमटाम सैलेड तैयार है। Help in 100. Help in 100.